हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो आप लोग, क्या हालचाल, सब बढ़िया? तो चलिए हम लोग फिर से एक बार हाजिर है उर्दू का मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम झकास वाला क्वेश्चन पढ़ने के लिए। सबको गुड आफ्टरनून एंड खुश आमदीद, खैर मकदम आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पे पधारने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। बहुत ही अच्छा मौका है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के तरफ से जैसा सवाल पूछता है उसी प्रकार का मैंने यहाँ पे एक मॉडल सेट तैयार किया है। और ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को टेस्ट लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑफलाइन वाला मज़ा आपको भी दूँ, है ना, ताकि ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो एग्ज़ाम में होता क्या कि आपको तो कम बनाना होता है ना, 100 में तो आपको 50 ही बनाना होता है। खैर कोई बात नहीं, आप कम से कम 100 में 50 बना देंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सबरीन, सयाग, जानसीर, जैनब, वक्कार, इंजमाम, बसीर, अशरफ, मुजम्मिल, वक्कार, इंजमाम, आलिया, सदफ, सबीहा, आरजू, बिल्लू, फैज़ान, अंजुम, गजाला, नकी, सालहिन, पुष्पा, सबको गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम। एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर देना आप सब लोग। ओके, मजा आएगा पढ़ने में। शुरू करते हैं। एक मिनट। हाँ, तैयारी मस्त हो गई ना? उर्दू से डर लगता है? अरे भाई साहब, इतना आसान उर्दू का सिलेबस है, उर्दू से डर क्यों लग रहा? हम इतना बार पढ़ा रहे उर्दू, बताओ मेरे रहते हुए आपको उर्दू में डर लगे, ये तो नाइंसाफी हो जाएगा फिर तुम्हारे साथ, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे रहते हुए उर्दू में डर नहीं लगना चाहिए। इतना क्वेश्चन, इतना वीडियो पढ़ा दिए हैं, ये देखिए जस्ट लाइक मैंने रेडी किया है, जस्ट एग्जाम में कैसे होता है उसी प्रकार। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर के अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है ना? तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे तरफ से बनाया हुआ है तो इसलिए मैंने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि लाइट वाइट कटी हुई है, पता नहीं फिर बीच में क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3 से शुरू होगा। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ चला गया? 1, 2, 3, 4, 5 इधर है। अच्छा, 6, 7, 8, 9, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ओके, चलिए हमारे पास सवाल इस तरह दिखेगा आपको, है ना, सीरियल नंबर 1, 2 इस तरह दिखेगा, तो हम आपको बड़ा करते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। शुरू करते सवाल को। सवाल हमारा, सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, शबनम कमाली का असल नाम। क्वेश्चन में या तो शुरू चैप्टर से शुरू दिखेगा या तो आखिरी चैप्टर से सवाल पूछेगा, यही सवाल हो सकता है ना, अक्सर, है ना? हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं ना रफ्तार से। कमेंट ऑफ, चल अपना अपना आंसर दीजिए। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफा रजा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और गिनते रहिएगा आप लोग कि कितना आपने गलती किया है, गलती गिन लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना सही किया आपने। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो अख्तर साहब बहुत शायर शायरी करते थे, तो जमीला नाम के लड़के से उनको प्यार था, मोहब्बत था, इसलिए उनसे वो शादी करना चाहता था, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अरे यार ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? जमीला, ये क्या हो गया? हाँ, ऑप्शन हो जाएगा बी, जमीला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या था? सबसे पहला अजीम आबादी का नाम क्या था? तिनको का सहारा, डायन, दर्पण, चार चेहरे। चार चेहरे जो है इनका पहला अफसाना था, 1934 में शाये हुआ था ना, 1934 में चार चेहरे शाये हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? नदीम, हकीम, कलीम, अजीम। तो अजीम उनका दोस्त का नाम था। ओके, नेक्स्ट है, अनोखी मुस्कुराहट कब शाये हुआ था? वो चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट कब शाये हुआ था ये बताइए, अनोखी मुस्कुराहट कब शाये हुआ था? 1973, 1974, 1972 में से कोई नहीं। अनोखी मुस्कुराहट जो है कब शाये हुआ था ये बताना आपको। इसका तो चार चेहरे तो ठीक बताया ना, चार चेहरे 1934 में, या मैं गलती लिख दे क्या? ठीक है, 1973,
चार चेहरे का 34 होगा ना भाई ये भाई साहब, 73 भी है 74 भी है, पांच का डी है ना, 1973 1973 में है ना, 4 चेहरे 34 में ठीक है, 1973 में शायद हुआ था अनोखी मुस्कुराहट, पांच के हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते जी सवाल, यहाँ पे दिया हुआ 6 नंबर सवाल ठीक है ओके। कमर जहाँ की पैदाइश कब शायद हुई थी, कमर जहाँ की पैदाइश के बारे में आता है कि 1952, 54, 50, 53, तो किताबों में आता है कमर जहाँ की पैदाइश जो है ना 51, 52 है ना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है, रश्क, नक्श, अश्क, अक्स, क्या था इनके पहले मजमुए का नाम, बहुत अच्छा, निगार अजीम के पहले मजमुए का नाम था अक्स, क्या नाम था, अक्स नाम था, जो कि 1990 में शाय हुआ था अक्स, और एक गहन भी है ना इनका मजमुए, एक गहन भी है 1999 में शाय हुआ था गहन। तो ये सवाल पूछते हैं एग्जाम में, सिराज कहाँ मुलाजमत करता था, सिराज की नौकरी कहाँ लगी हुई थी, आगरा में, पटना में, दिल्ली में, बंगलौर में, तो पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी बेंगलौर में ठीक है ना। मजमून किस किस्म की नसरी नमूना है, मजमून कदीम, जदीद, मुनासिब या गैर जरूरी, तो मजमून जो लिखने की जो नसर है वो नमूना है कदीम, बहुत पुराना टाइप का ये है ओके, तो कदीम नसरी नमूना है। सर सैयद कहाँ मदफून हुए थे, सर सैयद अहमद खां के बारे में तो आपने सुना होगा पढ़ा होगा, सर सैयद की मदफून कहाँ हुई थी, अलीगढ़ में, हैदराबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, तो बोलेंगे अलीगढ़ में, और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की स्थापना की थी ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल आता है, सवाल पूछता है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था, अब्दुल रऊफ, अब्दुल अब्दुल्ला, अब्दुल समद, अब्दुल रहमान, बताइए डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम था अब्दुल रऊफ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 50 सवाल होगा तो आपसे पूछेंगे कितना आपने सही बनाया ओके। भीम राव किस जात से ताल्लुक रखते थे, महार खानदान, तेली, पासवान या सुवरी, क्या लिखा हुआ है, महार खानदान से ताल्लुक रखते थे। लतफुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी, डॉक्टर लतफुर रहमान की पैदाइश 1941 में, 40 में, 43 में, 42 में, डॉक्टर लतफुर रहमान की पैदाइश याद करेंगे 1941 में इनकी पैदाइश हुई थी, डॉक्टर लतफुर रहमान की पैदाइश। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, किस अहद से था, मुगलिया अहद, गुप्त अहद, वर्ष अहद, मौर्य अहद, तो बोलेंगे गुप्त अहद, कहीं कहीं अहद मतलब दौर भी लिखता है ना, गुप्त दौर, क्या बोलेंगे, कहीं कहीं गुप्त लिखता है, गुप्त अहद भी बोलता है, गुप्त दौर भी बोलता है, और गुप्त दौर को सुनहरा दौर भी कहा गया है, तो ऐसे भी रह सकता है ऑप्शन में, किस दौर को बोला गया, सुनहरा दौर, तो सुनहरा दौर बोलेंगे, गुप्त दौर, सुनहरा दौर ठीक है ना। सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, सूरज ग्रहण और चांद जो ग्रहण होता है वो एक जोग्राफियाई वाक्य, एक भौगोलिक घटना है ठीक है ना। बहुत अच्छा, सबका आंसर आया बहुत अच्छा, एकदम आंसर देते जाइए, लास्ट में पूछेंगे हम आपसे। उर्दू का पहला नॉवेल मिरतुल उरूस कब शाये हुआ था, उर्दू का पहला नॉवेल है मिरतुल उरूस, और इसके लिखने वाले कौन है, डिप्टी नजीर अहमद है ना, डिप्टी नजीर अहमद, ये इनके लिखने वाले मुसन्निफ हैं। पहला हुआ था 1869 में, पहला उर्दू का पहला नॉवेल 1869 में शाये हुआ था मिरतुल उरूस, इसी के जस्ट बाद एक साल बाद जो है, सॉरी एक साल बाद 8 साल बाद तौबतुन्नसू जो है, तौबतुन्नसू जो है ना, ये शाये हुआ था 1871 में। हमीदा फहमीदा की कौन थी, हमीदा कौन थी, हमीदा जो है फहमीदा की बेटी थी, और फहमीदा हमीदा की माँ हो गई है ना, और नसू कौन थे, नसू जो है वो कौन थे, नसू जो है इसके हमीदा के बाप हो गए। गालिब की बेगम का क्या नाम था, गालिब की बेगम का नाम क्या था, आलिया बेगम, अजरा बेगम, आसिफा बेगम, अमराव बेगम, क्या था, अमराव बेगम ओके। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन के नाम बताइए, तफरीहुल कुलूब लिखने वाले कौन थे, सिबली नुमानी, कलीमुद्दीन, गालिब, शहबाज, अब्दुल गफूर शहबाज, तफरीहुल कुलूब, एक और है रुबायत शहबाज, तो वो तो खैर ऐसे ही पहचान लीजिएगा, रुबायत शहबाज तो शहबाज आ गया, तो तफरीहुल कुलूब याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने सारे प्यारे प्यारे यहाँ पे बच्चे हैं सभी लोग वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए, कम से कम उर्दू के खातिर लाइक कीजिए, ताकि आपके भाई बहन जो उर्दू नहीं पढ़ते उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए, समझ में आया। यूट्यूब पे उर्दू पढ़ाने वाले की तादाद बहुत कम है मेरे ख्याल से, मैं देखा हूं, तो आप वीडियो को लाइक करें, और इस तरह से एकदम जज्बा जोश के साथ इंपोर्टेंट सवाल के साथ बहुत कम मिलेगा, तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि उसके पास पहुंचे, वो भी बेचारे लोग जिसको उर्दू का क्वालिटी नहीं मिल पा रहा उसको मिले क्वालिटी है ना, उसको भी उर्दू में थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, तो आप लोग लाइक करेंगे तभी वहां पर पहुंचेगा ठीक है ना। मैं तो यहां पर दहाड़ ही रहा हूं ना बोल बोल के। गालिब का इंतकाल कब हुआ था, 1869, 1868, 1870, 1871, 1869 में गालिब का इंतकाल हो गया था, कहां, दिल्ली में, दिल्ली में ही इनकी, इनका जो है मजार है निजामुद्दीन औलिया जो है ना, वहीं पर इनका जो है मजार हो जाएगा।
ठीक है, चलिए और ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मकतूब किस जबान का लफ्ज है? मकतूब जो है ना, मकतूब जो है एक फारसी जबान का लफ्ज है। मकतूब जो है किस जबान का लफ्ज है? मकतूब फारसी जबान का लफ्ज है। बेदी का पूरा नाम क्या था? बेदी का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र सिंह, अमरेंद्र सिंह, खुशवंत सिंह, क्या है, मबलवंत सिंह। तो इसका नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। इसका पूरा नाम ऐसे याद रखिए, राजेंद्र सिंह बेदी, ऐसे याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चकबस्त के अबाव इजदाद ताल्लुक रखते थे कहां से? चकबस्त के अबाव इजदाद मतलब उनके दादा परदादा पूर्वज, अबाव इजदाद मतलब क्या होता है, पूर्वज, उनके एंसेस्टर, कहां से ताल्लुक रखते थे? पटना से, आगरा से, लखनऊ से, पेशावर से। तो बोला गया उनके जो अबाव इजदाद थे वो लखनऊ से ताल्लुक रखते थे, है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, जगन्नाथ आजाद। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई थी? 1918 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में। तो याद करेंगे 1918 में जगन्नाथ आजाद की पैदाइश हुई थी कहां? पाकिस्तान के ईसा खेल नाम का जगह। और जब मुल्क जब तकसीम हो गया था 1947 में, तो जगन्नाथ फिर जो हिंदुस्तान वापस चले आए थे। ओके, तो याद करेंगे शामिले निसाब नज़म बहुत आसान थी पहले के। शायर कौन थे? एक शायर है जिसके दो दो नज़म हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एक खड़ा डिनर है, एक नज़म बहुत आसान थी पहले, किसके बताओ? निदा फाजली, है ना। नहीं, खड़ा डिनर है, बिजली का खंबा, सॉरी, बिजली का खंबा है, बिजली, बिजली का खंबा, बिजली का खंबा, है ना, खंबा। ये दो नज़म, बिजली का खंबा और नज़म बहुत आसान थे पहले, निदा फाजली। खड़ा डिनर क्या है? खड़ा डिनर एक प्रकार का मजाहिया नज़म है जिसके लिखने वाले कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी, है ना, जाफरी साहब, है ना, जाफरी जो है इसके लिखने वाले खड़ा डिनर के बारे में, क्योंकि मजाहिया टाइप का, बहुत हंसी आती है उसको पढ़ने में, है ना। एक तंज कसा गया है समाज पे, जो लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं शादी वगैरह में, देखते हैं ना। गालिब का लकब क्या था? गालिब साहब की जब शादी हो गई थी तो दिल्ली में जाके बस गए थे, यानी कि ससुराल में जाके बस गए थे। नौसे बाय समझता, नौसे किसको बोला गया है? हाँ, उसको मिर्जा नौसा का मिला था लकब, मिर्जा नौसा। और दबीरुल मुल्क इनको मिला था, ये वाला क्या है, ये जो है खिताब मिला था, दबीरुल मुल्क खिताब मिला था, ये इनका तखल्लुस था पुराना, है ना, सारा सारा खानदान ही पे इसका है, है ना। तखल्लुस इनका पहले था, और अब जो है फिर उसके बाद फिर गालिब इस्तेमाल शुरू कर दिया। असदुल्ला खान गालिब इसका जो है असल नाम है, इसका असल नाम क्या? असदुल्ला खान गालिब। तो ये सारा खानदान ही पे इसका दे दिया पूरा नाम, सब इस सब नाम गालिब का ही है। अच्छा, गालिब तो खुद गालिब वहां पर है, एक गालिब इसका एक तखल्लुस रहा है लेटेस्ट, ये पहले था। बढ़ते हैं, उर्दू गजल का बादशाह किसे कहा गया है? उर्दू में गजल कहने का जो बादशाह, बादशाहियत जो हासिल की, वो गालिब साहब को बोला गया है, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल हो गया है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सवाल नंबर 29। देखिए, वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फायज हुआ था, हुए थे? वजीर के ओहदे पे, शाही मुअल्लिज, या मुहाफिज, या मुसाहिब। तो वाजिद अली शाह जो बादशाह थे, तो उनके दरबार में जो शौक लखनवी के बात किया जा रहा, शौक जो इनका ये नाम है, क्या बोलते हैं, तखल्लुस है, तो शौक लखनवी जो है शाही मुअल्लिज थे, क्योंकि इनका जो काम था तबाबत का था, है ना, तबाबत का, डॉक्टरी का काम था, इनका पूरा खानदान तबाबत का ही था, देखते ना, डॉक्टर का खानदान पूरा डॉक्टरी भरा रहता है। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम, सहरुल बियां, बुस्ताने खयाल, जहर इश्क, क्या हो जाएगा? गुलजारे नसीम, जहर इश्क, तो पता है शौक लखनवी का, जहर इश्क, बहार इश्क, शौक लखनवी का है। चलिए बहुत अच्छा, वेल डन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मुसहफी का पूरा नाम क्या था? मुसहफी का पूरा नाम क्या था? दिख रहा है आपको अच्छा से स्क्रीन पे? कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा यहाँ, हाँ मेरे यहाँ भी बारिश हो रही, होने दो बारिश। देखो, बार, ठंडा, गर्मी, बरसात, सब स्टूडेंट के साथ ही होता है। ओके, सब स्टूडेंट के साथ ही होता है। ओके, मुसहफी का पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मसनवी किस जबान के तवस्सुत से उर्दू में आया? मसनवी जो है किस जबान से, मतलब मसनवी किस जबान के है? तो मसनवी जो अरबी जबान से निकला मसनवी, ओके याद कीजिएगा, मसनवी कहां से निकला? अरबी जबान से बना है मसनवी, यानी कि मसनवी अरबी जबान है। तो पढ़ेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरोहा का ताल्लुक किस सूबा से? अमरोहा कहां? बंगाल में है, बिहार में, उड़िया में है, या उड़िया तो नहीं, उड़ीसा होना चाहिए ना, उड़ीसा में है, या तो फिर यूपी में है। तो अमरोहा नाम का जगह जो है, शहर कहां? उत्तर प्रदेश में। यस,
ठंडा जा रहा ना, इसीलिए बारिश हो रही, जाते जाते अपना दिखा रहा, अपना ताकत दिखा रहा। गजल अरबी के किस सिनब से माखूज है? तो अरबी से है, लेकिन वो कसीदा से लिया गया, गजल कसीदा सिनब से लिया गया है। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? अहमद हुसैन वामिक, फिदा हुसैन वामिक, मोहम्मद सज्जाद, अहमद फिराज। तो होगा फिदा हुसैन वामिक जो है इनके वालिद साहब का नाम था। अहमद फिराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, लाहौर में। तो पाकिस्तान के सब चारों शहरों का नाम है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर। तो पेशावर में इनकी जो है पैदाइश हुई थी अहमद फिराज की। तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी, ये गजल है इनका। तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी, तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब, फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती हमारे लिए, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता है। लाइव आने से एक घंटा पहले बच्चों चैटिंग करने में लगे रहते हैं, तो वो टाइम वेस्ट मत करें, वो टाइम पे याद करें सवाल को। हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? पटना में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, कोलकाता में। इनकी पैदाइश जो है, हसन नईम की पैदाइश पटना में हुई थी, ठीक है ना? हाँ, पटना में हुई थी। शेर में कितने मिसरे होते हैं पता है आपको? जो शेर होते हैं वो शेर में दो मिसरे होते हैं, बट शेर का फिर अलग अलग होता है, कोई दो मिसरे वाला शेर, कोई तीन मिसरे वाला शेर, ऐसे होता है। शेर में दो मिसरे होते हैं। परवीन साकिर कहाँ पैदा हुए थे? परवीन साकिर की पैदाइश पाकिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। तो बोलेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कहाँ? कराची में, है ना? कराची में, कराची, कराची भी कहीं नू भी लिखा था, कहीं कराची भी लिखते, कराची में पैदा हुए थे परवीन साकिर की पैदाइश। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिनफ के शायर हैं? गजल के शायर, नजम, जरीफाना शायर, मसनवी। तो हमने पढ़ना है इरफान सिद्दीकी का, हमने पढ़ना है गजल पढ़ना है, ठीक है ना? तो गजल के शायर थे। ओके, गजल के शायर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सवाल देखें। बोला सलाम मछली शहरी, सलाम मछली शहरी किस सिनफ शायरी के शायर है? सलाम मछली शहरी जो है किस सिनफ शायरी के शायर है? तो सलाम मछली शहरी के एक गीत है ना, गीत जमुना की लहरें, कैसे जमुना की लहरें बहती है, शायद इस तरह से। एक लास्ट चैप्टर आपका द्रक्षा वाला है, तो पढ़ते हैं। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस शय में सर्फ किया? मतलब अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो किस कामों में सर्फ किया, मतलब खर्च किया? तबलीगे खुदा में, तबलीगे मजहब में, तबलीगे रसूल में, तबलीगे इस्लाम में। तो सबसे बेस्ट होगा तबलीगे इस्लाम में, क्योंकि इसमें सारी बातें आ जाएगी, है ना, तबलीगे इस्लाम में। अजीम का मजमुआ अक्स देखिए, दे दिया। अजीम का मजमुआ अक्स जो है कब शाया हुआ था? 90, 91, 92, 93 1990 में अक्स शाया हुआ था। मलका मेहर निगार अजीम। ओके, बाला तुम्हारा कह रहे हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुहैल किस अफसाना निगार से मुतासिर थे? सुहैल अजीम आबादी के बारे में जानना है, ये किस अफसाना निगार से मुतासिर थे? तो बोलेंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद के मतलब प्रेमचंद जो अफसाना निगार थे उससे बहुत ज्यादा मुतासिर थे, प्रभावित थे। ओके, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है ये पता आपको? बाप बेटे का कोई नहीं, माँ बेटे का, माँ जाई बहनों का, मतलब माँ जाई बहनों का, मतलब माँ बहन का बोले, हाँ कैसे बोलते हैं? चलिए ये हो गया 46 नंबर सवाल, आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया 47 दिया है, जख्म के फूल किस शायरी का मजमूआ है? जख्म के फूल, अब आ गया आपके बारी, आ गया रिजल्ट बताने के बारी आ गई, 50 सवाल होने वाला है जी। जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? कौन शायर है? जख्म के फूल पढ़ा है मोहसिन का, जख्म के फूल है, और अनोखी मुस्कुराहट है सबसे मशहूर इसका अफसाना अफसानी मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट। फिर पढ़ते हैं, अदब की पहचान किस नवयत का मजमून है? अदब की पहचान में तनकीद किया गया, तंज कसा गया है, आलोचना किया गया है, तो बोलेंगे तनकीदी मजमून है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वूर है? निर्वाण एक लफ्ज है बुद्ध मजहब में, तो निर्वाण वैसे कहते हैं हम लोग, बोलते हैं कि ये इस्लाम कबूल कर, कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम कबूल कर लिया। तो और होगा निर्वाण, निर्वाण मतलब होता है कि बस सब कुछ भूल जाना, बस खुदा के बारगाह में बस लीन हो जाना। तो ही बोला खुदा का इरफान हासिल करना, खुदा का
खुदा का इरफान हासिल करना। तो बुद्ध मजहब में निर्वाण बोलता है निर्वाण प्राप्त कर लिया। बहुत लोग जो होता है ना एकदम अच्छा भिक्षुक जो हो जाता है वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है, मतलब बस कुछ नहीं हो, बस सिर्फ है खुदा के लिए। तो उर्दू में बोला गया है खुदा का इरफान। इन किताबों में से कौन सी किताब सर सैयद की तख्लीक है? हयात जावेद, हयात शादी, यादगार गालिब, आसारुल सनादीद। चलिए जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, और इसके बाद फटाफट कमेंट कीजिए कि 50 में कितना आपने सही बनाया आसारुल सनादीद। चलिए सभी लोग बताओ 50 में कितना आपने सही बनाया, गजाला, सालेहीन, सदफ, रोयाल, फरहान, काजल, आलिया, इसराद, अलक, दिलशाद, म्यूटी, मकटू, नेहा, अंजुम, नकी, सोल्फ, परवेज, सरफराज, सकीना, नैन्सी, दिलशाद, नूरुल, शमीम, आलिया, ठीक है, जकिया, इस्तियाक, अरमान, साहिना, वेल्डन, तनवीर, मुर्शीद, नूर, शहाबुद्दीन, स्मार्ट, शकील, राशिदा। बहुत खूब, बहुत खूब। कितना नंबर आया, 40 प्लस आया ना सबका? बहुत अच्छा, तीन रंग हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है। 100 सवाल में 50 सवाल डेफिनेटली बनाना है आपको, है ठीक है ना। हाँ देखिए मैं तो ऑफलाइन में हूँ नहीं, जो आपको मैं पूछूँ यहाँ पे बच्चों को, मैं ऑफलाइन टेस्ट ले रहा हूँ, तो वहाँ पे 100 सवाल में उसको एकदम दिमाग घूम रहा है कौन सा सवाल बनाए कौन सा सवाल बनाए। तो अभी आप लोग ऑनलाइन में हो, एकदम ईमान से दिल से बनाना है इसको, ठीक है, ताकि मेरा भरोसा ना टूटे आप पे। बहुत अच्छा, ओके, 40, 45, 50, 46, 39, 40 प्लस है, बहुत अच्छा। अब आगे 50 सवाल और बनाते हैं, तो एग्जाम में आपको 40 ही सवाल बनाना है बाबू। तो नज़ीर अहमद के आखिरी नावल का नाम बताइए कौन था? तौबतुन नसू, फसानाए मुबतला, इब्नुल वक्त, रुआए रुआए सादका, रुआए सादका। इनका जो आखिरी अफसाना है, किसका? नज़ीर अहमद का आखिरी अफसाना रुआए सादका। सरापा रज्ज जंग किस सिनफ के अजरा इज्जा है, मतलब ये सब जो है ये सारी बातें किस में यूज किया जाता है, मर्सिया में, नावेल में, कसीदा में, गजल में। तो सरापा जंग जज क्या है जजा जुज है जुज, ये सब मर्सिया में इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ते आगा हसर कौन है? आगा हसर अफसाना निगार है, मजमून निगार है, तनकीद निगार, ड्रामा निगार। पढ़े होंगे आगा हसर कश्मीरी, ये पढ़े कि नहीं आपने? आगा हसर कश्मीरी के बारे में पढ़े कि नहीं? ड्रामा निगार है आगा हसर कश्मीरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब कहाँ लिखी गई है? तरंगना में, खगोल में, आगरा में, इनमें से कोई नहीं। आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब है जिसमें जो है आर्यभट्ट ने खुद लिखा है, और कब? तो 576 ईस्वी तो उनका पैदाइश, 476 में तो उनकी पैदाइशी हुई थी, उस समय उनको लिखा, तरंगना में ही बैठ के लिखा है। और इन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि 2009 में एक बार गजब का सूरज ग्रहण होने वाला है जो कि तरंगना से पूरा साफ दिखाई पड़ेगा। बट सभी साइंसदान पहुंचे थे, नासा से बहुत बड़े बड़े विदेशी भी साइंसदान पहुंचे थे, लेकिन उस दिन अचानक बादल हो गया, बारिश हो गई और पता नहीं चला, मतलब लोग देख नहीं पाए सूरज ग्रहण। अब कब दिखेगा? 123 साल के बाद, 2009 से 123 साल जोड़ लीजिए, उसके तब दिखेगा वैसा सूरज ग्रहण। वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए थे, मतलब इंतकाल से कुछ माह पहले? हसन नईम, इरफान सिद्दीकी, परवीन शाकिर, अहमद फिराज। तो अहमद फिराज आए थे, कहाँ आए थे? दरभंगा आए थे, याद कीजिएगा, कहाँ आए थे? दरभंगा आए थे अहमद फिराज। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, सवाल है गालिब की वालिदा का क्या नाम था? बहुत अच्छा सवाल है, मिर्जा गालिब की वालिदा का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम, है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, रदीफ, हुस्न मतला। गजल के पहला जो शेर होता है उसको बोला गया मतला शेर, और आखिरी जो शेर होता है ना बाबू उसको बोला गया मक्ता। तो ये दोनों में से एक सवाल तो पक्का पूछ लेगा एग्जाम में कि पहले शेर को क्या कहते हैं मतला, और आखिरी शेर को क्या कहते हैं मक्ता कहते हैं। अब देखिए ना कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर हमको ये लोग पीडीएफ जो दे रहे हैं एकदम वही वाला आएगा एग्जाम में, हम बोले यार तुम पढ़ तो लो यार, डेली पढ़ा रहे कम से कम, आप लोग का सवाल नहीं पूछेगा, जो नहीं पढ़ता वही सवाल पूछेगा, सर ये वो पीडीएफ दिए हैं व्हाट्सएप पे या वेबसाइट पे, वही वाला आएगा, पढ़ ले पूरा, रट ले। हम बोले हाँ भाई तू रट ले, उतना तो तुम कैसे कम रट ले, उतना तो पढ़ लो कम से कम, नए से हाँ तो होगा कुछ तो। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो, दिल में समुंदर रखना, ये एक गजल लिखा हुआ है, और इस गजल के लिखने वाले कौन है बताओ? अहमद फिराज, इरफान सिद्दीकी, हसन नईम, परवीन शाकिर। तो बोलेंगे अहमद फिराज ने ये गजल लिखा है। अब यही सवाल ऐसा देता है, दौलत दर्द को दुनिया से, यहाँ पे खाली जगह छोड़ देगा,
अब देखो छुपा कर, बचा कर, दिखा कर, ऐसे तो दुनिया से छुपा कर रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ आजाद किस मौजू से एमए किया था, तो इसके बारे में आता कि जगन्नाथ आजाद जो है फारसी में बीए भी किए हैं और एमए भी जो है फारसी में ही किए थे। ओके, रक्से हयात किसका शेरी मजमुआ है, परवेज शाहिदी, सैयद मोहम्मद जाफरी, चकबस्त, अख्तरुल ईमान। रक्से हयात और एक क्या है, तसलीस हयात, है ना, तसलीस हयात, रक्से हयात और क्या है, तसलीस हयात, ये याद कीजिएगा, रक्से हयात और तसलीस हयात, तसलीस हयात, ये जो है किसका है, परवेश शाहिदी का दो शेरी मजमुआ, ये दोनों याद करना है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते, शौक कहाँ पैदा हुए, अब इसका पूरा नाम ही है शौक लखनवी, जहां के जो रहता है ना शायर उसका नाम अक्सर पढ़ जाता है शौक लखनवी, तो क्या होगा, शौक लखनवी यानी कि लखनऊ में है। कुछ शायर ऐसा है जो मुरादाबादी लिखता है, जैसे सुहैल अजीमाबादी, मतलब अजीमाबाद किसको बोला गया, पटना को बोला गया, तो वो उनकी पैदाइश पटना में हुई थी। तो कुछ शायर होता है जो अपना जगह के नाम से अपना नाम भी रख लेते हैं। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है, अर्जुन एक गाँव का नाम है, एक आदमी का नाम है, एक पहाड़ का नाम है, एक दरख्त का नाम है, तो अर्जुन एक दरख्त का नाम है भाई। ओके, अर्जुन एक दरख्त का नाम है। सूरज का घोड़ा किसने लिखा, वैक्यू मोहम्मद बशीर, हरिमोहन झा, पन्नालाल पटेल, अनंत मूर्ति। देखो सूरज का घोड़ा, सूरज कितना दूर है, अनंत है, अनंत कितना दूर है, अनंत है, याद कीजिएगा, यू आर अनंत मूर्ति इसके लिखने वाले। पन्नालाल पटेल क्या ना, वातिर्क के किनारे। वैक्यू मोहम्मद बशीर, तो बशीर चाचा तो कोई भूलिएगा नहीं, बशीर चा सेकेंड हैंड है ना। हरिमोहन झा अंग्रेजिया बाबू, याद रखिएगा ये सब पूछता है। अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में लिखी गई है, अंग्रेजिया बाबू चूंकि बिहार का है तो मैथिली जबान में, मिथिलांचल साइड का मैथिली जबान में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 64 हो गया, चलिए पढ़ते हैं भाई। शारदा गोपीनाथ की कौन सी थी, कौन थी, शारदा जो थी ना वो गोपीनाथ की बीवी थी, है ना, और गोपीनाथ जो एक सहाफी था, पत्रकार था। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, तीरा दोई खाली संदूक कहाँ से लाए थे, खाली संदूक कहाँ से लाई थी, ये लाए थे शमशान घाट था, वही रहती थी वो। खाली संदूक के लिखने वाले कौन है बताओ, पता है किसी को, जरा कमेंट करो, जरा देखते हैं कौन कौन कमेंट करेगा। खाली संदूक के लिखने वाले कौन है, याद करो ट्रिक, मेरा ट्रिक याद करो, सभी लोग बताओ खाली संदूक के लिखने वाले कौन है, खाली संदूक। वाह, स्क्रीन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हम भी चमक रहे हैं अच्छे तरीके से, है ना। बताइए खाली संदूक के लिखने वाले कौन है, बस कमी एक चीज में है कि आप लोग लैक वैक बहुत कम करते हैं, एलर्जी है जी हाँ, लेकिन माशाल्लाह अच्छा लैक हो गया है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। हाँ देखो खाली संदूक, वेरी गुड नकी, संदूक कैसा है, खाली है, किसके पास, स्वामी के पास कुछ नहीं है, स्वामी पास, स्वामी जी के पास खाली है, इसका याद कीजिए, इंदिरा गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी है ना, इंदिरा गोस्वामी। ओके, केरला में कौन सी जबान बोली जाती है, तो केरला में जो है मलयालम जबान बोली जाती है ना, मलयालम। उड़िया उड़ीसा में, तेलुगु जो है तमिलनाडु में, तेलुगु सॉरी आंध्रा में, तमिल जो है तमिलनाडु में, है ना। नजम वारिस शाह से किसने की तख्लीक है, देखिए वारिस शाह से जो नजम है किसने लिखा, वारिस शाह से याद कीजिएगा अमृता प्रीतम, ये पंजाबी नजम है। ओके, पंजाबी नजम है अमृता प्रीतम। इंदिरा गोस्वामी पता चल गया अभी, इंदिरा गोस्वामी, खाली संदूक, हरिमोहन झा अंग्रेजिया बाबू, महाश्वेता देवी क्या नाम था इसका, महाश्वेता देवी क्या लिखा, बारिश की एक सुबह ना, हाँ बारिश की एक सुबह, बारिश की एक सुबह ही ना है नजम, है ना बारिश की एक सुबह। अब आते हैं यहाँ पर कुछ उर्दू कवायद का सवाल आ गया जो कि बहुत ज्यादा खास है, देख लीजिए कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा आपका उर्दू कवायद, बहुत आसान रहता है उर्दू कवायद, उर्दू का बहुत आसान रहता है। तो आपको जो डेट वाला क्वेश्चन जो आपको दिमाग घुमा दे रहा, नहीं याद आ रहा, तो उसको छोड़िए और इसको बनाइएगा जरूर से, देखिए कितना अच्छा है। वा मादुला किसे कहते हैं, वा मादुला कौन है यहाँ पे, जून, मोर, खाजा, जोर, बताओ, वा मारूफ, वा मजहूल, वा मादुला, ये पढ़े। देखो वा मादुला बोलते हैं जिस वा को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, खाजा, इसको क्या पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ खवाजा है ना, लेकिन पढ़ते हैं खाजा, दस्तर खवान लिखाता है, दस्तर खवान, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, दस्तर खान बोलते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि क्या, दस्तर ना, दस्तर खान, तो हम लोग बोलते हैं दस्तर खान, तो ओके, तो ऐसा रहेगा तो बोलेंगे वाह मादुला। इनमें से याए मारूफ कौन है, या
हेलो, देखो आया मैसेज। अरे इंटरनेट का बड़ा झमेला हो गया यार, सॉरी फॉर दिस। इतना दिक्कत कर रहा है इंटरनेट ने, क्या बताएं। अचानक मोए मोए हो गया। चलिए आवाज जा रही है अब। बहुत आई एम सॉरी, इसका मैं क्या बताऊं। इंटरनेट का ऐसा घटिया है कि घटिया चीज हो जाता है इंटरनेट। दो 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 वाईफाई लगा हुआ है, फिर भी जो है ना कोई कर्म का नहीं, सब बेकार हो गया, एकदम घटिया हो गया इंटरनेट। कब मतलब ये जो है ना, आदमी से भी आदमी का तो होता है एक लाइफ, चलो हाँ भाई अब जिंदा है, हम 2 साल तक जियेंगे, इसका कोई उपाय नहीं। कब मर जाएगा कोई पता नहीं है, तुरंत नेटवर्क डाउन हो जाए, मतलब आदमी से भी बदतर है ये। क्या यार गजब लगता है, लगता है कि पटक दे, चूर हो जाए, इतना गुस्सा आता है पढ़ाने के टाइम में। चलिए खैर, लेकिन पटकने से कोई फायदा भी तो नहीं है। लफ्ज मोहनस कौन है, मुजक्कर मोहनस कौन नहीं है। चलिए तो कौन है, आसमान जो है मुजक्कर, आसमान नीला है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दर्ज जल में इसे मारफा कौन है, मारफा महल कुतुब कुरान पहाड़, मारफा कहते हैं कोई बड़ा कोई खास नाम को। तो देखिए ना, महल तो बहुत होता है, ये नकरा हो गया है ना, महल तो बहुत सारा है, किताब भी बहुत सारा है, पहाड़ भी बहुत सारा है, कुरान एक ही कुरान है और वो खास चीज है ना, इसे बोला गया। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तारीफ की जिद क्या है, तारीफ कसरत तौहीन फतह बैध, तारीफ की जिद क्या होगा, तौहीन हो जाएंगे। ओके तो देखो बच्चे, नेट से नेट का प्रॉब्लम, देखो इंटरनेट तो ऐसा चीज है भाई कि कभी भी धोखा दे सकता है, टेक्निकल चीज ऐसा चीज कभी भी धोखा दे सकता है। तो भाई मतलब थोड़ा पेशेंस रखें थोड़ा सा, है ना, और जिनको पढ़ना नहीं वो तुरंत भाग जाते हैं, फुरसानी निकल जाते हैं। मतलब लगता है कि उसको कैद करके रखे हुए हैं, बस छुट गया, जुम्मा खत्म हो गया, भागो। थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करते बच्चे लोग। फलक की जमा क्या है, फलक की जमा है अफलाक, है ना, फलक की जमा अफलाक हो जाएगा। मैं पटना जाऊंगा कौन सा फेल है, अभी गया नहीं, जाऊंगा, तो ये फ्यूचर हो जाएगा, फेल मुस्तकबिल, फिलहाल में होगा मैं पटना जा रहा हूं या जाता हूं, मैं पटना गया था, फेल माजी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दबीरुल मुल्क किसकी मिसाल है, तो आपने पढ़ा दबीरुल मुल्क किसका था, गालिब को मिला था ना, दबीरुल मुल्क जो है गालिब को खिताब मिला था ना, तो ये क्या है, एक खिताब है, दबीरुल मुल्क क्या है, खिताब है। इनमें से लाहका की तलाश कीजिए, ये अलग ही फंडा है। यार एक से एक प्रॉब्लम आता रहता है। अरे यार तू चालू हो जा जल्दी से, बच्चा मेरा वेट कर रहा है, चार्जर खत्म हो गया लैपटॉप का। देखो एक हो रहा, ले आगे आते हैं। बोलता है इनमें से लाहका कौन, लाहका, लाहका जो लास्ट टाइम जुड़ता है ना, दर आमद, दर आमद, दर असल, दर हकीकत, दर दर जुड़ रहा ना, ये क्या है, साबका है। ओके अकलमंद, अच्छा बा अदब, बा हया, बा वजू, है ना, ये सब क्या साबका हो जाएगा। ला हासिल, ला इलाज, ये साबका हो जाएगा। अकलमंद, दानिशमंद, होशियार मंद, है ना, ये हो जाएगा लाहका। कोई नजर लगा दिए क्या जी। हसीनो जमील क्या है, जिद इजदाद है, वाहिद जमा है, मुतरादिफ अल्फाज है, मुहावरा है, बताइए सब लोग। हसीनो जमील क्या है, देखिए हसीनो जमील मतलब क्या हुआ, हसीन भी है और जमील मतलब हसीन मतलब भी खूबसूरत, जमील मतलब भी खूबसूरत, दोनों का सेम माना है, तो ये एक दूसरे का क्या है, मुतरादिफ है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। ओके दर्ज में से इसमें मुकब्बर कौन है, इससे मुकब्बर बड़ा चीज, बागीचा छोटा है ना, बागीचा छोटा है, ये हो जाएगा मुसग्गर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुसग्गर। घंटा बड़ा है, घंटा बड़ा है, घंटी छोटा है। ओके घंटा बड़ा है, घंटी छोटा है, डेगची, डेगची छोटा है ना, अब बड़ा क्या होता है, डेग, है
है ना, देख जो है बड़ा होता है, और किताबचा छोटा है, किताब जो है बड़ा होगा, किताब किताब हो जाएगा मुकब्बर, देख हो जाएगा मुकब्बर, देखची मुसग्गर, किताबचा मुसग्गर, बागीचा मुसग्गर, घंटा है मुकब्बर, और इसका मुसग्गर क्या होगा, घंटी है ना, घंटी हो जाएगा मुसग्गर, घंटा मुकब्बर। यहां से जाओ, यहां से जाओ, ये ऑर्डर दे रहे कि नहीं, यहां से जाओ। अगर ऐसा जुमला मिले जिसमें ऑर्डर के टाइप का पता चले कि यहां से जाओ, पॉजिटिव ऑर्डर, यहां से जाओ, है ना, तब बोलेंगे फेल अमर। अगर यही होगा फेल नहीं, एक होता है फेल नहीं, यानी कि नेगेटिव ऑर्डर, यहां से मत जाओ, अगर लिखा रहेगा यहां से मत जाओ तो ये नेगेटिव ऑर्डर हो गया, है ना, यहां से मत जाओ। तो पॉजिटिव ऑर्डर में हो जाएगा फेल अमर, नेगेटिव ऑर्डर में हो जाएगा फेल नहीं। ओके, चलिए इनमें से फेल की मिसाल बताइए, फेल है कौन, फेल मतलब वर्ब है ना, फेल कौन है, महमूद तो नाम है ना, गरीब, पढ़ाकू, बोलना, बोलना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेल की मिसाल। पढ़ाकू क्या हो जाएगा, पढ़ाकू हो जाएगा माजी, मस्तक ना, पढ़ने वाला क्या बोलते हैं, पढ़ाकू, जो मजदर से बना है, पढ़ने वाला को पढ़ाकू बोलते हैं। कलमा की कितनी किस्में है बाबू, कलमा की तीन किस्में हैं, याद कीजिएगा, कौन कौन है, फेल, हुर्फ, और क्या है, फेल, हुर्फ, और एक और है भाई, फेल है, हुर्फ है, एक लफ्ज है ना, लफ्ज, फेल, हुर्फ, लफ्ज, तीन किस्में हैं, फेल है, हुर्फ है, एक और है, लफ्ज है या कुछ और है, बट तीन है, जहन में बातें आ नहीं रही, ठीक है ना, चलिए इसको रखते, बाद में बताएंगे कभी मौका मिलेगा तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें से इनमें से इसमें को चुनिए, इसमें कौन है, इसमें मतलब होता है नॉन, नॉन को चुनिए, नॉन, खाना, तक, पटना, हाँ, तो पटना क्या हो जाएगा, ये इसमें, अच्छा कलमा के तीन किस्में हो गया, फेल, इसमें, हुर्फ, इसमें हो गए, ठीक है, तीन पहले थे, इसमें है, फेल है और हुर्फ है, ये तीन है, ठीक है ना, तीनों, ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसमें है, मतलब इसमें मतलब संज्ञा, इसमें मतलब संज्ञा, यानी कि हाँ नॉन को बोलते संज्ञा। आसिफ पढ़ता है, इसमें फेल कौन है, तो फेल कौन हो गया, पढ़ना, और आसिफ क्या हो जाएगा, आसिफ हो जाएगा फाइल, क्या हो जाएगा बाबू, आसिफ हो जाएगा फाइल, पढ़ने वाला, काम करने वाला को बोलता फाइल। वो इसमें है जो, क्या बोले, वो इसमें जो इसमें जात की खूबी या खराबी बताए, अच्छा मतलब एक ऐसा इसमें का नाम बताए जो इसमें जात की खूबी या खराबी बताए, खूबी या खराबी कौन बताता है, इसमें सिफत जो है खूबी या खराबी बताता है। गुलशन रो रही, रोटी खा रही है, गुलशन रोटी खा रही है, इसमें रोटी क्या है, तो गुलशन क्या कर रही है, रोटी खा रही है, काम किस पर हो रहा, रोटी पर हो रहा, तो जिस पर काम होता है उसको बोलते हैं मफऊल, है ना, मफऊल। और फाइल कौन है, गुलशन जो है क्या है, फाइल है, गुलशन जो है वो फाइल है, और फेल क्या है, खाना, जो खा रही है, खा रही है, ये क्या फेल हो जाएगा, ठीक है ना, गुलशन रोटी खा रहे हैं। माजी बईद की मिसाल दीजिए, बईद मतलब क्या होता है, दूर, जो काम माजी में बहुत पहले हो चुका है उसको बोलते हैं माजी बईद, जो पहले काम हो चुका है, बोला गया माजी बईद, वो खाया, इसे तो पता ही नहीं चल रहा, वो खाया था, हाँ यही लगा, वो खाया था, वो खाया था से पता चल रहा बहुत देर हो गया, अच्छा वो खा चुका है से पता चल रहा, खा तो लिया लेकिन लग रहा कि अभी अभी ही खाया है, तो इसको बोलेंगे माजी करीब, क्या बोलेंगे, माजी करीब बोलेंगे, वो खाया से तो पता ही नहीं चला कि अभी खाया कि बाद में खाया, इसको बोलेंगे माजी मुतलक, क्या बोलेंगे, माजी मुतलक, वो खाया होगा, शक लग रहा है ना, खाया होगा मे भी, तो माजी शकिया, माजी क्या बोलेंगे, शकिया, या तो एहतमाली भी बोलते हैं, एहतमाली भी बोलते हैं, माजी शकिया या माजी एहतमाली। ओके, कलमा को किस, कलमा को कहते हैं, कलमा किसको कहते हैं, कलमा कहते हैं बामाना लफ्ज को, जिसका कोई माना हो, जिसका कोई माना हो उसको क्या बोलते हैं, कलमा कहते हैं। चलिए, मजा आ रहा, पूरा पूरा मजा ले रहे हो ना। जमाना की कितनी किस्में है भाई, तो जमाना की तीन किस्में पढ़े होंगे, फेल हाल, फेल माजी, और फेल मुस्तकबिल, ये है मुस्तकबिल, मुस्तकबिल, फिलहाल, फेल माजी, मुस्तकबिल। ओके, चलिए, फेल माजी की कितनी किस्में हैं, फेल माजी की पता करें छह किस्में हैं, चलो मैं लिखाता हूं फास्ट में, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, माजी मुतलक, माजी नहीं लिखते हैं बस, इसलिए माजी मुतलक, माजी करीब जिसे लगे कि अभी अभी काम हुआ है, माजी मुतलक में तो पता ही नहीं चलेगा, माजी करीब में लगा कि अभी अभी काम हुआ है, वो खाया है, माजी करीब, वो खाया था, माजी बईद, है ना, वो खाया होगा, माजी शकिया, माजी शकिया,
वो खाया होगा या तो फिर वो खा रहा था इस्तेमरारी, है ना, काश वो खाता, है ना, काश वो खाता क्या हो जाए माजी तमन्नाई, तमन्नाई। देखिए ये छह किस्म हो गया, माजी मुतलक मतलब वो खाया, पता ही नहीं चल रहा कि अभी खाया कि बाद में खाया, माजी करीब वो खाया है, लग रहा कि अभी अभी ही खाया है, है ना, माजी बईद वो खाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है भाई, है ना, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं आप इसको। शकिया है ना, वो खाया होगा, माजी इस्तेमरारी वो खा रहा था, खत्म नहीं हुआ था, खा रहा था, इसको ना तमाम भी कहते हैं, ना तमाम, जो काम तमाम नहीं हुआ था। और माजी तमन्नाई जिससे तमन्ना की जाए, आरजू की जाए, है ना, वो खाया, काश वो खाता। जिस इसमें से किसी खास किस्म की आवाज निकले, आवाज कौन हो जाएगा, सौत, जैसे टन टन, खट खट, टिक टिक, है ना, फट फट, जो आवाज निकलती ना, कोई चीज को फिटते ना, जैसे ये ताली मारे तो ताली से आवाज निकल रहा, तो किसी से आवाज निकले तो समझे सौत हो जाएगा। चलिए आई, अभी तो हम लोग भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना बाकी है, तो सब्जेक्टिव खुद से बना लीजिएगा ना, इसी टाइप का सवाल मिलेगा। ताजा हवा में हवा क्या है, ताजा हवा में हवा जो है वो मौसूफ है, क्योंकि हवा की खूबी बताई जा रही है, और ताजा क्या हो जाएगा, ताजा हो जाएगा सिफत, और हवा हो जाएगा मौसूफ, है ना, ताजा हवा, हवा जो सिफत है, हवा क्या खूबी बता रहा है हवा की, तो हवा क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। क्या मेरे वीडियो नहीं चल रही क्या, चल रही ना, हवा सिफत हो जाएगा, और सॉरी हवा मौसूफ हो जाएगा, ताजा सिफत हो जाएगा। तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे बताइए, ये एक सवाल किया जा रहा, तो माजी सॉरी बोलेंगे जुमला सवालिया, है ना। इसमें मुसग्गर कौन है, छोटा चीज देखिए, ताकचा, ताक समझते हैं, ताक घर में ताक होता ना, अरे अब तो अलमीरा बनता है घर में, पुराने जमाने में देखिएगा घर में, आपके भी घर होगा गांव वगैरह में, तो दीवार में ही छेद रहता है, खोल उस पे, उसको ताक बोलते हैं, है ना, तो ताकचा होता छोटा, ताक हो गया बड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हकीकत की जमा क्या है, हकीकत की जमा क्या बाबू, हकायक, हकायक जो है हकीकत की जमा हो जाएगा। दर्शगाह क्या है, दर्शगाह एक जगह का नाम है ना, दर्शगाह स्कूल, मदरसा को बोलते दर्शगाह, स्कूल को बोल सकते दर्शगाह, ये इसमें जर्फ है, ओके। कान खड़ा होना का मतलब क्या होता है, बोलते भाई तुम कान खड़े कर लो, मतलब होशियार हो जाओ, है ना, होशियार हो जाओ, कान खड़े कर लो। नूर की जिद क्या है, नूर मतलब रोशनी, तो अंधेरा क्या होगा, जुल्मत। अब ऐसा नहीं कि नूर का जिद रोशनी, नूर का अंधेरा लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा, जब उजाला बोलेगा तभी अंधेरा लिखना है, ओके, और नूर बोलेगा तब आपको जुल्मत लिखना है। ऐसा नहीं कि नूर है तो नूर मतलब रोशनी, अब ई याद नहीं आता तो लिख देता अंधेरा, कोई फायदा भी नहीं होगा, नंबर मिलेगा भी नहीं, तो आप याद रखिए अंधेरा होगा, ठीक है ना। माजी शकिया का दूसरा नाम क्या है बताओ, माजी शकिया का दूसरा नाम है माजी एहतमाली, माजी एहतमाली। आतिश अलम की कौन सी किस्म है, अलम आतिश तो एक शायर का नाम है, जो कि ये क्या है, ये है खताब, तखल्लुस, है ना, तो ये तखल्लुस हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया 100 क्वेश्चन, जल्दी बता पहले 100 में आपने कितना बनाया, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, आखिर जो वाहिद जमा वो आपको दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, काफी मजा आएगा। नेटवर्क, अब तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रहा यार, अब तो ठीक ठाक है, अब ठीक है ना। सब्जेक्टिव ओके, संगुफ, फिरदौस, रायबुन, कितना बना 100 में, पूरा बन गया, कितना सवाल सही हुआ, 97, तो मतलब 100 में 50 बन जाएगा ना कंफर्म, बोलो कोई दिक्कत नहीं कि 100 में 50 बनाना, कहीं पर से खोज करके बना दीजिए, कैसे खोजना बता दिया मैंने आपको ना, जहां जहां पे हल्का हल्का उसी खोजना है, पहले भारी वाला छोड़ देना, डेट वाला तो हाथ में मत लगाना, अगर जब कंफर्म है सुहैलिक पैदा 1911 कन्फर्म है मारना, जिसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो उसको छोड़ देना, और जो एकदम 100% कन्फर्म उसी को पहले बनाना, ठीक है ना, फिर लास्ट में। यस सर 50 ही हुआ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो 100 में 50 बनना चाहिए, मेरे को ये चाहता हूँ कि 100 में 50 बन जाए। आगे आते हैं, अब आगे क्या दिया, आगे नहीं जी, इसे ऑब्जेक्टिव है, एक मिनट, अच्छा अच्छा एक मिनट, एक मिनट, दिखा रहे
जल्दी डाउनलोड हो जाए यार, इतना स्लो चल रहा है इंटरनेट, तब आ रहा है। देखिए हो गया, ये सेट बी हो गया, कोई मतलब उसने सब्जेक्टिव तो सेम रहता है ना। आइए अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल ऐसा दिया रहेगा, उनवान लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनवान मजमून लिखना है ना, मजमून लिखना है, 250 से 300 लफ्ज होना चाहिए, सफाई, मुहर्रम, बकरीद, लाइब्रेरी, इल्म की अहमियत, 5 में से किसी एक पर लिखना होगा, बन जाएगा ठीक है ना। कल का पैसा का पता नहीं, कल का पैसा कहाँ गया, हमको लगता फ्रॉड था वो, फॉल्स था वो, इतना कोई भेजता थोड़ी ना, फ्रॉड था मेरे ख्याल से, है ना। खैर छोड़िए, सफाई, मुहर्रम, बकरीद, देखिए बकरीद है तो ऐसा नहीं कि बकरीद ना तो ईद के बारे में लिख देंगे, नहीं, अगर आपसे मुहर्रम के बारे में पूछा जा रहा है तो मुहर्रम के बारे में जो कुछ जानते हो लिख दीजिए, छोड़ना नहीं है लेकिन, ओके। तो आप अगर बेस्ट से बेस्ट लिखिएगा ना तो आपको 9 नंबर मिलेगा, 8 से 9 नंबर वो बेस्ट जो लिखता है उसको मिलता है, तो आप कोशिश कीजिए बहुत अच्छा इसमें कम से कम 8 नंबर मिल जाए हमको इस मजमून लिखे में। उसके बाद देखिए, वालिद को खत लिखना है आपको, मैंने खत, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, खत लिखने बोलेगा चाहे दरखास्त लिखने बोलेगा, सबसे आसान है दरखास्त लिखना, ओके। तो दरखास्त लिखिएगा आप जरूर से, मैंने वीडियो में बता दिया दरखास्त कैसे लिखना है, बताया था ना वीडियो में, अर्जुन का महाश्वेता देवी, अच्छा अच्छा ओके, अर्जुन का मैंने कुछ गलती बताया था, अर्जुन का महाश्वेता देवी, और हाँ हाँ ठीक है महाश्वेता देवी, हाँ ठीक अर्जुन का होगा। चलिए अब देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे 20 क्वेश्चन देगा, 20 क्वेश्चन में आपको बनाना है मात्र 10 क्वेश्चन, देखिए और सब मिलेगा आपको लगभग ऑब्जेक्टिव से तो पक्का मिल जाएगा। देखिए शबनम कमाल की 3 शेरी मजमू का नाम बताओ जल्दी से, क्या है 3 शेरी मजमू, अनवारे अकीदत, रियाजे अकीदत, सहबाए अकीदत, जिया अकीदत, इतने सारे इसका नाम है, ओके। भाभी जान के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, लिखिएगा भाभी जान के शौहर को सियासत से बहुत ज्यादा दिलचस्पी था, बहुत लगाव था, और इसीलिए वो एक मुकदमे से छूटता था तो दूसरे मुकदमे के में वो जेल चल जाते थे, ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानी मजमू का नाम बताइए जो उर्दू दुनिया में काफी मकबूल और मारूफ हुआ है, और वो कब शायद हुआ, वही हो गया अनोखी मुस्कुराहट के बारे में बात किया जा रहा है, 1934 वाला ना, नहीं वो तो अलग है, अनोखी मुस्कुराहट की बात किया जा रहा है, ओके। कमर जहां के जेर या सात अफसाने मजमू का नाम बताइए, मतलब जो शाये नहीं हुआ है। सिराज के दोनों बेटों का नाम बताइए, सिराज का दो बेटा था उनका नाम बताना है। सर सैयद ने कौन सा अंजुमन कब और कहां कायम किया, वही है यार इदारा, कौन सा इदारा कायम किया था सर सैयद ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। डॉक्टर अब्दुल मगनी की दो किताब का नाम ये तो पढ़े ना, क्या था जिसकी तसलीस हयात, नहीं अब्दुल मगनी की दो किताब का नाम क्या था आप लोग को, अनोखी मुस्कट, अरे भाई साहब तनवीर, हाँ सुबह में, सुबह 6 बजे मैथ पढ़ाए प्रूफ वाला क्वेश्चन, इसके बारे में बताए तो मैं भूल रहा हूँ। अब्दुल मगनी की दो किताब का नाम क्या है, तस्किले जदीद और ज्यादा एतदाल, है ना, तस्किले जदीद और ज्यादा एतदाल। लतफुर रहमान की दो किताब का नाम, इसके भी दो किताब का नाम अलग है। आर्यभट्ट की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, फहमीदा हमीदा नसू की कौन थी, फहमीदा हमीदा नसू की कौन थी, फहमीदा हमीदा की बेटी, हमीदा नसू की दोनों की तो बेटी ही थी, हमीदा नहीं फहमीदा नसू हमीदा की माँ थी और नसू की बीवी थी, है ना, है ना जी। शाहबाज की कितनी, शाहबाज ने कितनी शादियां की थी, बीवी के नाम लिखे हैं तस्किले जदीद, हाँ ठीक है। परवेज शाहिदी ने किस किस मौजों में एमए किया, निदा फाजली ने कौन कौन ममालिक में हिंदुस्तान और अदबियों की नुमाइंदगी की, सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत की किसी के जेर साया में, किसके जेर साया में हुई थी, शौक लखनवी किसके ओहदे अहद हुकूमत में शाही मौलिज रहे थे, तो पढ़े थे वाजिद साहब पढ़े थे अभी। हसन नईम किस किस के साये से मुतासिर हुए थे, चलिए ये आपको बना लेना है। उसके बाद देखो 20 सवाल है तो यार आपको 10 ही बनाना है ना। परवीन शाकिर ने किस किस मौजू में एमए किया, इरफान सिद्दीकी के मजमुआ किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुआ, जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया था, सलाम मछली शहरी की पहली नजम कब और कब शाये हुआ था। तो देखो अब मैंने एक वीडियो पढ़ाया था आपको, याद है आपको कि उस वीडियो में पूरा 2 नंबर का सवाल पढ़ा दिया था आपको, अगर बोलेंगे तो एक बार फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है ना, फिर से एक बार पढ़ा देंगे पूरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया आप लोग को, पीडीएफ भी दिया आपको। उर्दू पेपर कैसे लिखेंगे, अरे यार अभी इसमें भी दिक्कत है आप लोग को, चलिए ठीक बता देंगे।
अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग सवाल आ गया 5 नंबर वाला, ठीक है ना। बोला गया कि तीन ही सवाल का जवाब देना है, कमर जहाँ की हालात जिंदगी बारे में लिखना है। हालात जिंदगी का मतलब हुआ बाबू वो कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुए, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी, इसके बारे में बताना है, है ना। हालात जिंदगी मतलब क्या हुआ, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, अपने जिंदगी में क्या क्या पढ़ाई की, वो सारी बातें लिखना है। कम से कम तो 7-8 लाइन लिख देना है भाई, तब तो 5 नंबर मिलेगा ना। नजम हम नौजवान में हम नौजवान है का खुलासा लिखिए, उसके बारे में बताइए, पूरा डिटेल्स बताइए। शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए। भीमराव अम्बेडकर के आईनी खिदमत मतलब संविधान बनाने में उन्होंने क्या खिदमत पेश किया है। अच्छा ठीक, उर्दू कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है ठीक है ठीक है, बना देंगे उर्दू कॉपी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए इसी में जो ना ए बी सी डी, देखो कितना हार्ड लग रहा है ना, 5 जुमला, ये जो चारों में से कोई तो एक तो बनाना पड़ेगा, चाहे जैसे बनाओ, चार में से तो कोई एक या दो जितना बना लो तुम बनाना पड़ेगा, कम से कम तो एक दो बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे दो ही क्वेश्चन और बच रहा है। तो इसको जब बनाइएगा तो अपने आप को अकीदत मतलब इरादा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि पूरा नंबर मिल जाएगा हमको 5 नंबर, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए वाहिद जमा आ गया तुम्हारे पास और इसमें तो पक्का मिलने वाला है। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग बताओ सालेह का जिद जमा क्या हो जाएगा, सालेह का जमा क्या हो जाएगा, सालेहीन, क्या कहा, सालेह का सालहीन, सालहीन, है ना। बेगम का जमा क्या होगा, बेगमात, कमेंट करें सब लोग, बेगम का जमा बेगमात, नोट कर लीजिए कॉपी में बेगमात। इबादत की जमा क्या होगा, इबादत, है ना। और वकील की जमा क्या होगा, वकला, वकील की जमा वकला। रुबाई की जमा क्या होगा, रुबायात, रुबायात। तो आपको 5 ही बनाना है, जो हल्का वो बनाइएगा। आखिर की जमा क्या होता है, अवाखिर। खर्च की जमा अखराजात, अखराजात, क्या होगा, अखराजात। खर्च की जमा अखराजात। सिनफ की जमा असनाफ। उस्ताद की जमा क्या होगा, असातजा, असातजा। किताब की जमा क्या होगा, कुतुब। ये वाहिद जमा में कम से कम आपको 5 को लिखना है। देखिए किताब का कुतुब हल्का है, उस्ताद का असातजा याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा है। सिनफ का असनाम 3 हो गया, और आखिर का वाखिर आपको पता होगा, और इबादत के बाद आता वकील का वकला। तो आपको मैंने बताया वाहिद जमा कितना पढ़ना है। अच्छा मैं वो PDF अभी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वो मैंने एक बार बताया था, एप्लीकेशन में मैंने पढ़ाया था, वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो नोट कर लीजिएगा और बोलिएगा तो आपको शेयर कर देंगे PDF भी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले सब लोग। अरे यार पढ़ लीजिए सर, आप जब बोलते हैं तो। अच्छा एक मिनट में, अच्छा जी ऐसा नोट कर लिए। चलिए देखिए देखिए ये है जिद इज्जत। देखिए बुलंद की जिद क्या होगा, पस्त, है ना। बुलंद की जिद क्या होगा, पस्त। आगाज की जिद क्या होगा, अंजाम, अभी आगाज हुआ है अंजाम बाकी। वजूद का क्या होगा, अदम। हकीकत का क्या होगा, मिजाज, क्या होगा, मिजाज। जंग का क्या होगा, सुलह, या अमन भी बोल सकते हैं, जंग का अमन भी बोल सकते हैं, अमन शांति, सुना। कुफर का क्या होगा, ईमान, कुफर का ईमान। हलावत का हलावत का तरसी ना, तरसी आता है, तरसी। तलख का शीरी। जलवत का खलवत। खुश्क का तर या नम, नम भी बोल सकते हैं, तर या नम। हम पढ़ लेते हैं सर लेकिन लिखने नहीं आता। अरे बउआ शहाबुद्दीन, तुम किताब क्वेश्चन कहाँ से, दरक्षा बुक से क्वेश्चन नहीं था, कहाँ से बताओ, इस शहाबुद्दीन को बताओ यार। तुम लोग अभी जो पढ़ाए कौन सा किताब से, कहकशा किताब से था, कहकशा चलता है 11-12 में, उससे किताब दिए थे हम। हद हो गया बच्चों को यार दरक्षा किताब से तो मैं सवाल दे रहा था। एग्जाम में पैड लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते, लेकिन बट हम बोल रहे थे कि अलाउ नहीं भी कर सकता है, लेके जाइएगा तो जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन पैड रहे पूरा थी, मतलब प्लेन रहे। सर एक बार बोर्ड पर लाइव कमेंट पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है लाइव, ठीक है पहले पढ़ लेते हैं लाइव कमेंट, बाद में पहले ये देखते हैं, पहले तुम्हारा ये देख लेते हैं ना लाइव। अच्छा ठीक है बोर्ड पर लाइव कमेंट पढ़ लेंगे, पहले एक बार ये देखें मैंने कहाँ पे डाला था, एक मिनट, उर्दू वाहिद जमा ना, एक मिनट, वाहिद जमा एक बार था मेरे को,
एक मिनट, वाहिद जमा मैं निकालता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ और उतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा। वाहिद जमा एप्लीकेशन में मैंने पढ़ाया था जी, एक मिनट रुक जाइए, देखो ऐप पे मैंने पढ़ाया था, देखो ये वाला है ना, ये मैंने एप्लीकेशन में पढ़ाया था, ये है अल्फाज इजदाद है, इजदाद है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी है वाहिद जमा है, दुनिया भर का है, ठीक है ना, ढेर सारा है, उसके बाद देखो नीचे और है वाहिद जमा है अल्फाज, ये सब इम्पोर्टेंट एकदम इम्पोर्टेंट है, ओके मस्त वाला है, एकदम रट के घोल के पी जाइए आप लोग, चाहे जैसे भी। वाहिद जमा इधर भी है, इधर भी वाहिद जमा है, उस्ताद को मैंने एकदम स्पेशल लिखा है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, बच्चा से गलती भी करता है ना, देखिए बच्चा लिखता है उस्ताद जा लिखता है, गलत असात जा, ये हो गया। फिर और भी वाहिद जमा इधर दुनिया भर का है, कॉपी में सारे बच्चे ने जो ऐप में पढ़ा था सारे बच्चे ने कॉपी में इसको नोट किया है, ठीक है ना। और फिर देखिए यहाँ पे इजदाद है, ये इजदाद जिद इजदाद है, देखो एक पेज में अगर ना लिखा रहे तो समझे इसी का ये वाला होगा, ठीक है ना। अब ऐसे पहचान लीजिएगा हराम का हलाल, पहचान में आ जाएगा उल्टा, है ना। फिर देखिए इजदाद है दुनिया भर का, दुनिया भर का इजदाद है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला इजदाद है, इसमें वो सारा इजदाद है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वो तो है ही, इसके अलावा फिर और भी इम्पोर्टेंट इजदाद है। उर्दू दरक्सा, उर्दू का पूरा वाहिद जमा जिद इजदाद इसमें दिया हुआ है, ओके। चलिए ये तो फिर चलिए, तो अब आपका खाइंस कुछ और था, तो एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट तो आपको जाके देखता, गूगल खोलिए, यूट्यूब खोलते हैं, टेस्ट आप लोग कहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ कहाँ पे लीजिएगा आप लोग, गूगल पे सर्च करना ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, देखो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, aaonlinesolutions.com ऐसे लगाइएगा solutions.com पे। अब यहाँ पे खोलेंगे, टेंथ में जाइएगा, आज पीडीएफ डलाया है, अच्छा पीडीएफ ये सब खोल के देखिए, ब्लॉग में जाके देखिएगा, देखो आज फिजिक्स का पीडीएफ डलाया है, ठीक है ना, आज ही ना 5 फरवरी, आज ही तो है 5 फरवरी, फिजिक्स का डलाया है, और क्या डलाया है, लेटेस्ट अपडेट में कुछ डलाया है, के पाठक है, लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे डलाया है, लड़कियों को मिलेगा 36,000 रुपया, अरे बाप रे, चाहिए हमको, ये क्या है, क्लास टेंथ में क्या है, पीडीएफ है, ठीक है, उर्दू का पीडीएफ हम डला देंगे, वाहिद जमा से एक बार और डलवाया था मैंने, ये भी डला देंगे, ओके ओके डलवा देंगे। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्या ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, आइए देखो भाई साहब, अभी हमारा लाइव क्लास चला, यही वाला ना, मेरी सूरत दिख जाएगी इसमें और तुम्हारा प्यारा सा कमेंट दिखेगा, चलो मैं इसको पहले बंद करता हूँ, और मोदी जी पहले, क्या बात है भाई, मोदी जी फर्स्ट, देखिए आपका कमेंट, प्यारा सा कमेंट आपका आ रहा होगा, बहुत अच्छा दिख नहीं रहा भाई, हाँ ये आपका चिट्टा पुर्जा यहाँ पे खुला हुआ है और ओके शादी कब करा, अरे शादी कब करेंगे, शादी करेंगे ना, अभी तो दिल्ली थोड़ा सा नजदीक हुआ है, ओके नकी 2 मार्क्स वाला ना, 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन करा देंगे। अब ये कमेंट मत करो यार, शादी कब कीजिएगी, कमेंट मत करो, यूट्यूब पे पूरा आ जाएगा ये वाला कमेंट, अच्छा नहीं लगता है। चलिए लो हाँ, रोने वाला कौन आता है, इसको हुआ क्या जो रो रहा है इतना, बताओ रोने वाला कहाँ से कमेंट आ रहा है, बताओ ये बच्चा जो रो रहा, रोने हंसिए हंसिए मुस्कुराइए, अरे रो 4 दिन की जिंदगी है, रो के क्या होगा, जिंदगी में गम, जिंदगी गम से भरा हुआ है, तो थोड़ा सा खुशी लाइए उसमें, अच्छा लगेगा ना, है ना। हाँ इसका पीडीएफ जल्द से जल्द, एकदम जल्द से जल्द डाल देंगे पीडीएफ, है ना, जल्द से जल्द डाल देंगे, डोंट वरी। खानजादी थैंक यू मुस्तफा, जाम्बू नॉन हिंदी से एक चैप्टर है, 2 चैप्टर वाला क्वेश्चन प्लीज सर, एक वीडियो बनाइए प्लीज, ओके ओके, मतलब नॉन हिंदी में तो मैंने अभी तो कल ही तो पढ़ाया था नॉन हिंदी का ना, वो भी करा देंगे, डोंट वरी वो भी करा देंगे। ओके शुक्रिया उमर, दाऊद, सबरीन, यासिर, जकिया, थैंक यू सो मच, वेलकम, सेकंड बुक से
सर सिक्स उर्दू का सेकंड मतलब चैप्टर रोशनी के बारे में बोल रहे हैं आप साहबुद्दीन, तो रोशनी वाला एक स्पेशल मैंने वीडियो डाला है, वो वीडियो देख लीजिएगा। वैसे इसमें भी तो रोशनी का सवाल आ गया था, वैसे एक बार फिर से करा देंगे, ओके, एक महा मैराथन क्लास होगा, पूरा पूरा खत्म कर देंगे उर्दू का, एक पूरा दरख्सा का, रोशनी का, और फिर एक होगा उर्दू कवायद का, ठीक है ना, वो पूरा करवा देंगे। मकतूब फारसी का लफ्ज है बाबू, किताब में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, और मर्सिया अरबी का लफ्ज है, ठीक है ना, मसनवी अरबी का लफ्ज है। ओके, दो नंबर का सवाल करा देंगे, दो नंबर भी सवाल करा देंगे, ओके। अच्छा जी मुस्तफा, अच्छा जी करा देंगे अभी, ओके ओके ओके। कितना नंबर आएगा, आ जाएगा ना, सोशल साइंस का कब लाइएगा, ये आज शाम को आएगा साइंस वाला, क्योंकि आज साइंस का तो दो दिन पहले टेस्ट हो गया था ऑफलाइन में, आज उर्दू का टेस्ट हुआ था, तो मैं भूल जा रहा था बार बार शाम को लाने के लिए क्वेश्चन ना, तो आज शाम को पक्का साइंस वाला क्वेश्चन आएगा, 80 क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा, जिस तरह से मैंने टेस्ट लिया है बोर्ड एग्जाम के जैसा, ओके। तो आज आ जाएगा शाम को, आप लोग सब लोग आइएगा और प्यार दीजिए वीडियो को। अरे 1000 लाइक होने, उर्दू में पहली बार 1000 लाइक होने वाला, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, जल्दी फटाफट 1000 लाइक कर दो, 900 कुछ हुआ है, फटाफट करो 1000 लाइक, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ, अजीबोगरीब हो गया हूँ मैं यार, ये तो मैं हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है, 1000 लाइक उर्दू में, मतलब है पावर है उर्दू में, हाँ भाई बहुत अच्छा, और थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो को शेयर किए जरूर, तो तब तो उर्दू में इतने सारे बच्चे यहाँ पे इंक्लूड हो पाए, शामिल हो पाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि उर्दू में इतने सारे बच्चे आके पढ़ रहे हैं, बस आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं अपने आने वाले को पढ़ाएंगे। और एक बात बता दो, अगर उर्दू वाला बच्चा है आपका, कोई भाई बहन दोस्त आस पड़ोस कोई भी होगा, अगर उसको अच्छे तरीके से 2025 के लिए तैयारी करना है मैट्रिक का, तो हमारा नया बैच आ गया रफ्तार बैच, ओके रफ्तार बैच आ गया है, और वो बैच जो है ना आप यहाँ पे करवा सकते हैं, रफ्तार बैच, थैंक यू सो मच, 1000 लाइक होने वाला है, तो रफ्तार बैच में यहाँ पे एक मिनट में बताता हूँ, यहाँ पे रफ्तार बैच हमारा, रफ्तार बैच अभी प्राइस 299 है 28 फरवरी तक, ठीक है ना, 28 फरवरी तक इसका 399 प्राइस है, फिर बढ़ जाएगा, आपके एग्जाम के लिए मैंने छूट दी थी कि आपका भाई बहन कोई भी होगा आपके थ्रू से अगर आएगा तो उसको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ओके, तो आपके थ्रू से यहाँ पे आने वाला है तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, तो आप प्लीज करके मेहरबानी करके इसको जुड़ा दीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए 8810 42 32 00, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ओके चलिए लीजिए, इतना बड़ा बड़ा कमेंट आप लोग आ रहा है, यस सर थैंक यू सो मच, कैकसा हाँ जी, ओके जमील ब्रेन असद उर्दू का डेट वाला, उर्दू का डेट, अरे यार अच्छा ठीक है, मेरा बन गया उर्दू का डेट वाला, पूरा एक पूरा चार्ट बनाया गया है, पैदाइश मौत, कब पैदा कब मौत हुआ, उनके अब्बू का नाम क्या था, उनके अम्मी का नाम क्या था, ये सारी बातें एक जगह लिखा हुआ है, वो आपको एक दिन में हम शॉर्ट वीडियो नहीं तो फिर लाइव में ही पढ़ाएंगे ना, लाइव में पढ़ा के लास्ट में पढ़ा देंगे, ठीक है, हाँ पढ़ा देंगे वो भी लास्ट में, किसी और दिन पढ़ा देंगे, अभी तो फिर भूख भी लग गई मुझे, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए और 1000 लाइक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया, 1000 लाइक पार हो अभी उर्दू में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट आप लोग का प्यार है और मेरा इस तरह से जुनून से पढ़ाना और आपको जुनून तरीके से पढ़ाना है ना, आई होप कि आप लोग एकदम इसी तरह से पढ़ते रहिएगा एग्जाम तक, जब भी जो बाकी 10-12 दिन एकदम परफेक्ट तरीके से अपने दोस्तों को बताते रहेंगे और एग्जाम में फोड़ के आना है, पेपर फाड़ के कलम तोड़ के लिख के आना है, मुहावरा था, ओके तो डैट्स ऑल, लास्ट करते वीडियो को, एक होमवर्क नहीं देंगे, बस आप कमेंट प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आज की क्लास कैसी लगी पढ़ करके, कितना मजा आया बनाने में, और मतलब उर्दू में आप कहां तक नंबर ला सकते हैं, 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 95 98, कितना नंबर ला सकते हैं, ये प्लीज कमेंट कर देना सारे बच्चे, ओके बहुत अच्छा शुक्रिया, हाँ ओके असद कैसर मुस्लिम गर्ल एमडी यासिर खुशी जैनब नूर ब्रेन सालिन आरजू सभी को शुक्रिया, ओके जाइए खाना वाना खाइए, हमें खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे आना मत भूलिएगा, ओके बाय, खुदा हाफिज़।